हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी अप्पे। उसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, नमक, प्याज, हरी मिर्च, दही, सूजी, इसको रवा भी बोलते हैं, थोड़ा सा पानी। अब हम अप्पे का पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी सूजी, इसे रवा भी बोलते हैं, 1 से 1.5 कटोरी दही, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च, 2 प्याज कटे हुए प्याज। इसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच राई। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, जितनी जरूरत हो उसके अनुसार हम पानी डालते रहेंगे। पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। हमने इसको साइड पे रख दिया है। जब तक हमारा ये फूलता है हम चटनी तैयार कर लेंगे, अमचूर की खट्टी चटनी। खट्टी अमचूर की चटनी तैयार करने के लिए मैंने इसको 1 घंटे पहले ही पानी में भिगो दिया था और ये फूल चुकी है। अगर आपको जल्दी बनानी है तो आप इसको गैस में गर्म पानी में रखकर भी जल्दी से तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो इसको तैयार करने के लिए हम लेंगे 1 जार, उसमें डालेंगे अमचूर को और उसमें डालेंगे 2 से 3 लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच कच्चा जीरा। कच्चा जीरा ही डालना है, याद रहे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी चटनी को मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल के, कम से कम 1 कप पानी डाल के पीस लिया है। अगर आपको ये ठीक लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। जितनी एक चटनी होती है आपको उसी तरह से इसमें पानी मिला लेना है और उतनी ही थिक बना लेनी है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। आपको जितनी पसंद हो आप उतनी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको 1 आवर हो गया है, 1 घंटा हो गया है और ये फूल भी गया है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया ऐड करेंगे। आप इसमें शिमला मिर्च और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो, मैंने नहीं किया है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए, अब इसको डालते हैं अपने पैन में। अब हम अपने पेस्ट को अपने पैन में डालेंगे इस तरह से, मसे लेकर थोड़ा थोड़ा इसी तरह से हमें डाल लेंगे। देखिए, मैंने सभी डाल लिए हैं इसमें। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट बाद देखेंगे कि ये अच्छे से पक गए हैं, क्रंची हो गए हैं, नहीं हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इनको खोल कर देखेंगे कि ये पके हैं या नहीं। देखिए, पीछे से भी ब्राउन हो गया है सारा, सब कुछ अभी ब्राउन हो गए हैं। इनको हम पलट लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी को पलट लिया है। इसको फिर से मैं इसको 5 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी, इसके बाद फिर से देखूंगी तब ये पक गए होंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको फिर से खोल के देखेंगे दूसरी साइड से भी पका है या नहीं। देखिए, हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, ये पक चुके हैं। उनको निकाल लेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने आटे की प्लेटिंग कर ली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।